भाई संयुक्त किसान मोर्चा, इलाज नंबर ऑफ फार्मर्स, ब्लॉक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे नियर मांडोटी विलेज, 1 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ एक्सप्रेस वे डॉटेड विद ट्रैक्टर कार एंड अदर व्हीकल्स, रेजिडेंट ऑफ नियर बाई विलेज ऑल्सो ज्वाइन द प्रोटेस्ट टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद फार्मर्स। किसान मोर्चे की तरफ से आदेश हुआ था, उसके अनुसार हमारा 11 से 4 बजे तक 5 घंटे का केएमपी को जाम करना है। हम 11 बजे आके बैठ गए थे और अभी चल रहा कार्यक्रम हमारा बड़े शांतिपूर्ण तरीके से। आज देखिए कितने हजारों ट्रैक्टर आगे खड़े हुए हैं यहाँ और कितने हजार पब्लिक बैठी है, आप देखिए। हमें जो भी संयुक्त मोर्चे का ऐलान होता है उसके अनुसार जो है जो भी आदेश दिया जाता है उसके अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ता जा रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई वो बता दे कोई घटना घटी हो ऐसी कि हमारा कहीं टकराव हुआ है, लेकिन हम अनुशासनबद्ध तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार के अब तक कानों के जूं तक क्यों नहीं रहेंगे ये समझ नहीं आ रहा। मैं प्रीत सिंह, किसान सभा का राज्य उपाध्यक्ष। आज का जो हमारा ये रोड रोको आंदोलन है केएमपी का, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है, क्योंकि 100 दिन हो चुके हमारे आंदोलन को और 100 दिन के बाद आज हम काला दिवस मना रहे हैं। घरों पर भी काले झंडे हैं, गाड़ियों पर भी है, पट्टियां भी बंद रखी है, तो ये उस आंदोलन का ही हिस्सा है जो 3 काले कानून सरकार लेके आई है, उसका ये विरोध है। क्योंकि हमारे संयुक्त मोर्चे का आह्वान था कि हम केएमपी को जाम करेंगे। आज लाखों लोग जो है केएमपी के ऊपर बैठे, किधर से किधर भी कोई व्हीकल नहीं जा रहा। 5 घंटे का है, 11 से लेकर 4 बजे तक चलेगा शांतिपूर्वक। और ये इतने बार बार नए नए आह्वान भी आते रहेंगे। 8 तारीख को जो हम राष्ट्रीय महिला दिवस है, 15 तारीख को ट्रेड यूनियन है पूरे देश में, जो उनके अधिकारों पर हमला डाला है मोदी सरकार ने, वो हमारा समर्थन कर रही है, हम उनका समर्थन करेंगे। 15 तारीख को पूरे के पूरे देश में स्टेशना के ऊपर हो जाएंगे। तो ये सात जन आंदोलन है, 1 लाख किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। हम ये बता रहे हैं सरकार को कि जितना जल्दी हो सके सरकार को 3 काले कानून वापस ले लेना चाहिए। और आज हमारी माताओं बहनों के हाथों में आप काले झंडे देख रहे होंगे, हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, तानाशाही सरकार बन चुकी है, लोकतंत्र हमारा खत्म हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आंध्र प्रदेश से साउथ के 5 स्टेट के लोग वहां से आ रहे थे, टिकरी बॉर्डर पे आ रहे थे, उनको ट्रेन से रोका गया, दूसरी ट्रेनों में रिजर्वेशन करके फिर भी वो लोग वहाँ पहुँचे, कर्नाटका के पहुँचे, केरला के पहुँचे, तमिलनाडु के, तेलंगाना के। तो सरकार जितना जोर लगा ले, किसान अभी वापस हटने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बरसा ली, सब कुछ कर लिया मोदी जी, आप अभी जेल भरो आंदोलन करोगे ना तो भी आप जेलें छोटी पड़ जाएंगी, किसान पीछे नहीं हटेगा। और आप जब तक काले कानून वापस नहीं ले लेते, MSP पे कानून नहीं बना देते, किसान घर में वापस नहीं जाएगा। इस कानून को वापस कराने के लिए हमारे 300 के करीब भाइयों ने शहादत दी है, हम उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। और शहादत देनी पड़ी तो हम तैयार हैं। अपने भाइयों का जहाँ पसीना बहेगा वहाँ मातृशक्ति अपना खून बहाएगी, लेकिन अपनी जमीन हम उद्योगपतियों के हाथों में नहीं जाने देंगे। KMP बंद करने का हम दिखा रहे हैं सरकार को कि अभी तो हम KMP बंद कर रहे हैं, ऐसा ना हो। सहन शक्ति की एक सीमा होती है। आज हम KMP पे हैं तो टाइम आने पे हम दिल्ली में भी जा सकते हैं, लेकिन हम आखिरी बार अपील कर रहे हैं कि अनुशासन में रहते हुए, 3 महीने से अनुशासन में बैठे हुए हैं, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी जो शांति है, हमारा अनुशासन है, हमारी एकता है, उससे सरकार अंदर ही अंदर डरी हुई है, इसलिए वो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। हमें आतंकवादी बुलाती है, खालिस्तानी बुलाती है, आंदोलन जीवी बुलाती है। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आंदोलन जीवी है, तो हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं।